लीवर इज द रिटर्न ऑन लॉन्ग टर्म फंड्स, कौन सी रेशियो निकलवा रहा है? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, उसको रीनेम करके कर रहा है। लॉन्ग टर्म फंड्स कौन से होते हैं? इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, सही हो गया। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ले, डिवाइड करें उसको विद द इक्विटी प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज, क्या आता है आंसर? 1431 डिवाइडेड बाय 7200, क्या आ गया? 19.875। बस इतना था काम का, ठीक हो गया। 19.8% इज द रेश, या 19.9 या 20% है जी, 20% रिटर्न। आगे चलते जी, नेक्स्ट रेशियो है हमारे पास, तो ओपनिंग इन्वेंट्री फॉर अ बिजनेस वाज 108, क्लोजिंग इन्वेंट्री 144, इन्वेंट्री टर्नओवर फॉर द ईयर वाज 10 टाइम्स, ग्रॉस मार्जिन वाज 30%, व्हाट इज द सेल्स फॉर द ईयर? सेल्स कितनी? अब आपको कनेक्शन बनाने पड़ेंगे यार, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड आ गया फिर अब्दुल्ला, ठीक ये क्लब्स एंड सोसाइटी आ गए, इनकम लेना। ओपनिंग इन्वेंट्री या बिजनेस की कितनी थी? 1,08,000 लेना, आप लिख लेते हैं यहाँ पे ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी आ गई, 1,08,000। क्लोजिंग इन्वेंट्री बता रहा जी हमें 144,000, इसके बाद क्या आ जाती है? कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक हो गया जनाब। और फिर हमारे पास आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। अब हमारे पास फिगर्स है सिर्फ दो, 1,08,000 और 1,44,000। इन्वेंट्री टर्नओवर वो कह रहा है जनाब कि कितना है? 10 times इन्वेंट्री टर्नओवर है, 10 times। तो अगर हम इन्वेंट्री टर्नओवर में जाएं तो वहाँ से कॉस्ट ऑफ सेल निकल सकती है, वी कैन हैव द कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक। तो इन्वेंट्री टर्नओवर है 10 times। तो आपको याद होगा कि हम क्या करते हैं, जब हम टाइम्स में रेशो निकालते हैं तो नॉर्मली होता है एवरेज इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल इनटू 365। अब है कॉस्ट ऑफ सेल डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, सही हो गया। अब ये फार्मूला, वी कैन कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ सेल बाय पुटिंग अप हियर द एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री कितनी है? 1,08,000 जमा 1,44,000 डिवाइडेड बाय 2, कितना आता है? निकाल लिए 1,26,000, ये आती है कॉस्ट ऑफ सेल। ये कैसे निकली है? एवरेज इन्वेंट्री आप यहाँ से ले लेंगे, 1,08,000 और 1,44,000 को जमा करें, 2 से डिवाइड करें, जो आएगा उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें, तो कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी आपको। कितनी आ गई? 1,260। अब उसने हमें एक और लिंक दिया हुआ है, वो क्या? मार्जिन, कहता जी ग्रॉस मार्जिन है 30%। इसका मतलब अगर मैं इसको 0.7 से डिवाइड कर दूँ, व्हाट आई हैव? आई विल हैव सेल्स, कितनी आ गई? 1,8। और यही मालूम करना है हमने, 18,00,000 की सेल आ गई। क्या हुआ? जीपी भी परचेज भी पूछ सकता, परचेज भी निकल सकती हूँ यहाँ से। आप इसको ऐड बैक करेंगे, इसको माइनस करेंगे, परचेज भी आ सकता, परचेज भी पूछ सकता, ठीक हो गया ना। परचेज भी इस क्वेश्चन में आ सकती है और जीपी भी पूछ सकता है नेचुरल, ठीक हो गया। तो कनेक्शन आपने बनाने हैं, डेवलप करने हैं, और यही एडजस्टमेंट ये एमसीक्यू इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में भी हो सकता है, बड़े आराम से हो सकता है। वहाँ पे वो इन्वेंट्री टाइम्स में डाल दे कि जी इतने टाइम्स है, यही बात लिख दे और सेल को जोड़ दे उसके साथ। इसका मतलब है इनकम्प्लीट के अंदर रेशो इंटीग्रेट कर दे, मर्ज कर दे, सही हो गया ना। चलिए जी आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या जनाब? अदील लिमिटेड हैज़ ट्रेड पेएबल 12,000 and a bank overdraft of 3,000. Its current ratio is 2.51 and its quick ratio is 1.51. What is the value of inventory? Stock ki value nikale.
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। अब फिर आप दो रेशो को इंटरप्ले के साथ चलेंगे, जो कल मैंने निकाली भी थी अगर आपको याद है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, करंट रेशियो। करंट रेशियो उसने आपको बता दिया कितनी है, 2.5। वहां से करंट एसेट्स आ जाएंगे। लेकिन अब क्या करेंगे हम, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, और करंट रेशियो है 2:5, 2.5। सो 2.5 इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय लायबिलिटीज, उसने आपको बता दिए 15,000। ऐसे ही ओवरड्राफ्ट है 3,000 का और पेएबल्स हैं 12,000 का, टोटल बन गई 15,000 की लायबिलिटी। इसका मतलब करंट एसेट कितने के आ गए, द करंट एसेट इज 2.5 इंटू 15,000, कितना बनता, 37,500। अब यहाँ से ये वैल्यू आप लेंगे और अपनी अगली रेशियो में जाएंगे, क्विक रेशियो। क्विक रेशियो ये कह रही है जी, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, और ये रेशियो है 1.5। पुट अप द वैल्यूज, 1.5 इज इक्वल टू 37,500 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 15,000। सॉल्व द एक्स नाउ। अब एक्स सॉल्व कर लेते ना, कितना आ गया, 15,000 आ गई जी इन्वेंट्री। लाइबिलिटी नॉन करंट लाइबिलिटी, लोन नोट्स, डिबेंचर्स, करेंसी नोट नहीं है, डॉक्यूमेंट है, इसके अगेंस्ट कंपनी ने लोन लिया, कॉन्ट्रैक्ट है, लोन नोट्स। लेकिन आप 20 नंबर एमसीक्यू में आए तो सबसे पहले लोन्स ड्यू इन मोर देन 1 ईयर, तो नॉन करंट लाइबिलिटी लोन आ गए, डेट आ गए। कहते हैं गेयरिंग कैलकुलेट करनी है, तो हमें गेयरिंग का फार्मूला अगर याद हो तो क्या है, डेट डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी। तो इसमें डेट कौन कौन सा है जी, लोन्स हैं 5% लोन नोट्स, ये भी डेट है, कितना हो गया 32 जमा 24। ऑर्डिनरी शेयर ये इक्विटी है, 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, ये भी डेट है। रिडीमेबल मीन जो वापस करना हो, जिसके पैसे आपने वापस करने हैं, तो जिस चीज़ के पैसे वापस करने हो, रिडीमेबल का मतलब होता है आपको रिफंड करना पड़ेगा, इसका मतलब ये तो लायबिलिटी पर, इसका नाम बस शेयर लिखा हुआ है लेकिन ये है क्या, लायबिलिटी। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इज ऑलवेज ट्रीटेड एज ए लायबिलिटी, अगर इसके साथ लिखा होता है इररिडीमेबल तो फिर ये किधर चला जाता है, इक्विटी में चला जाता, सही हो गया। तो कितना हो गया डेट 32 जमा 24 जमा 16, उसके बाद रिटेन प्रॉफिट्स हैं, रीवैल्यूएशन रिजर्व है, तो ये दोनों क्या हैं, इक्विटी। तो टोटल करें डेट कितना बना, 32 जमा 24 जमा 72, तो 72 डिवाइडेड बाय 72 जमा इक्विटी कर ले कितनी बनती है, 80 तो शेयर कैपिटल है प्लस रिटेन प्रॉफिट्स प्लस रीवैल्यूएशन रिजर्व, तीनों को प्लस करें, तीनों इक्विटी है, स्टेटमेंट में चेंज इन इक्विटी पड़ी नहीं थी, तीनों इक्विटी में आती, कितना आ गया 224। सो करें जनाब, डेट डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी क्या आता, 24.32% जो है वो गेयरिंग, सही हो गया जी। फार्मूला लगाना और चीजें रेटिफाई करनी। विच रेशियो इज कंसिडर्ड एज सेफ मार्जिन ऑफ सॉल्वेंसी, सॉल्वेंसी क्या होती, मैंने आपको समझाया था यार अगर आप भूल ना गए, कितनी रेशियोज थी मैंने कहा था, एक है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, एक है सॉल्वेंसी क्या होती, लिक्विडिटी। नहीं, सॉल्वेंसी जो है इसके बारे में हम कहते हैं जी क्या है कि कंपनी की लिक्विडिटी कितनी बेहतर है, क्या कंपनी अपने डेट्स पे कर सकेगी व्हेन दे फॉल ड्यू, जब उनकी ड्यू डेट्स आएंगी क्या कंपनी के पास इतना कैश है या इतने एसेट्स लिक्विड एसेट्स हैं कि जिनसे वो कैश जनरेट करके अपनी लायबिलिटी, तो इसको सॉल्वेंसी कहते हैं।
अगर ये सिचुएशन खराब हो जाए तो कहते हैं इनसॉल्वेंट है कंपनी, कंपनी के पास लिक्विडिटी नहीं है। ये दो वर्ड सॉल्वेंसी एंड इनसॉल्वेंट। सो सॉल्वेंसी रेशियोज शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में। तो शॉर्ट टर्म में सॉल्वेंसी रेशियोज हमने दो निकाली, एक निकाली करंट रेशियो और एक निकाली हमने क्विक रेशियो। तो जब मैं आपको दोनों रेशियोज बता रहा था तो मैंने आपको बताया कि क्विक रेशियो इज मोर कंजर्वेटिव रेशियो, ये ज़्यादा फोकस करती है क्योंकि इसमें प्ली ये ली जाती है कि ये जो इन्वेंट्री होती है ना, ये आप बेचने लगे तो कैश जनरेट नहीं होता जल्दी से या उतना नहीं जनरेट होता, तो इसलिए हम इन्वेंट्री को निकाल के फिर कंपनी की सॉल्वेंसी रेशियो निकालते हैं, लिक्विडिटी। तो इसका मतलब है कि जो क्विक रेशियो है वो ज़्यादा कंजर्वेटिव रेशियो है, उस रेशियो से हमें ज़्यादा बेहतर पता चलता है कंपनी की लिक्विडिटी के बारे में। तो यहाँ पर वो लिखता है कौन सी रेशियो कंसिडर सेफ मार्जिन, तो वो कौन सी बनेगी, क्विक रेशियो। लिक्विड रेशियो इज आल्सो नोन एज, फिर उसी के बारे में आ गया, क्विक रेशियो भी कहते हैं इसको हम, और हम इसको एसेट टेस्ट रेशियो भी कहते हैं, वन एंड टू। ठीक हो गया जी, इट्स 22। नाउ मूविंग टू द 23। चलो जी आए सर, चाय शायद यही था। क्लास पढ़ ली सुबह वाली, कभी नहीं पढ़ी आज, कल आए थे, कल आए थे, रुकावटें। रुकावटें कौन सी रुकावट, रस्ते दो तीन कॉलेज पैदे। कितने कितने रुके तो मैं गया, मेरा मतलब है मेरी गल ही समझ आई। मुकबरी करती है सर। रेशियोस का टॉपिक चल रहा है भाई। एमसीक्यू नंबर है 23। ले जी, केयर फार्मेसी लिमिटेड हैज अ करंट रेशियो इक्वल टू 1.6 एंड अ क्विक रेशियो इक्वल टू 1.2। The company has rupees 200 million in sales and its current liabilities are 10 million. What is the value of company's current assets? कैसे बताएं जी कंपनी के करंट एसेट्स कितने के? इंतहाई सादा सा सवाल, ऐमी रंगबाजी की। आगे चलो जी, 24 भाई समझ आ गए, 1.6 ज़रब 10 करंट एसेट्स आ जाएंगे। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज। करंट रेशियो उसने बता दिया 1.6 और लाइबिलिटीज ने बता दिया 10 मिलियन, तो करंट एसेट कितने हुए, 10 × 1.6। ले जी 24 नंबर, डिटरमिन वर्किंग कैपिटल रेशियो इफ करंट एसेट इज रुपीज 150 मिलियन, करंट लाइव 100 मिलियन एंड सेल्स ड्यूरिंग द ईयर रुपीज 500 मिलियन। मेरा ये रेशियो क्या आ गया, उसने एक नया फार्मूला आपसे कह रहा जी, आप जरा कॉमन सेंस लगाएं। आई मीन बाय द वे फार्मूला क्या रेशियो का बना रहा, नाम क्या रख रहा है, कहते ही बताएं वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो वर्किंग कैपिटल कितना है हमारा, कहते यार 150 - 100 का वर्किंग कैपिटल। yes. जैसे एसेट टर्नओवर है वैसे उसने वर्किंग कैपिटल टर्नओवर। ठीक हो गया, तो टर्नओवर कितना है, 500, वर्किंग कैपिटल कितना, 500/50 कितना आ गया, 10 times। आंसर इज बी, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। जैसे मेन रेशियो जहाँ से इसने रेशियो निकाली है वो कौन सी है, एसेट टर्नओवर। तो वर्किंग कैपिटल निकालें, टर्नओवर और वर्किंग कैपिटल का निकालें तो कितना बन जाएगा, इट्स 10 times। अ डेटर टर्नओवर रेशियो ऑफ 12 times मीन्स दैट, कहता जी अगर डेटर रेशियो का आंसर 12 times आया है तो इसका मतलब क्या होगा। वो कहते हैं इसका मतलब होगा कि रिसीवेबल, कंपनी के जो रिसीवेबल हैं वो साल में 12 times पेमेंट करते हैं। इसका मतलब ये होगा कि डेज में 30 days इज द पीरियड, इसका मतलब है 1 महीने बाद पेमेंट आ जाती है। तो कौन सा आंसर पड़ा, टेक सम मंथ टू पे, डी सही होगा जी। 26 तो फिर उसी जगह बद, तो इस जगह कैश बद नहीं जाएगा,
एक एसेट कटेगा एक एसेट बढ़ेगा, तो टोटल करंट एसेट तो सेम रहे। यही इस क्वेश्चन में है कि आप रिलेट करते हैं कि कहना रिसीवेबल कलेक्शन करेंगे तो करंट रेशियो पे क्या इफेक्ट आएगा। अगर आप ये कहेंगे जनाब डिक्रीज कर जाएगी, तो इसका मतलब आपने स्टेटमेंट का एक इफेक्ट देखा है, दूसरा इफेक्ट भी तो है उसका। रिसीवेबल जब डिक्रीज होंगे तो क्या आ रहा है आपके पास, कैश। इसका मतलब एक करंट एसेट कम हो रहा है, दूसरा करंट एसेट बढ़ रहा है, तो ओवरऑल करंट एसेट में टोटल चेंज क्या आएगा, इट इज जीरो, तो रेशियो विल रिमेन सेम। सही हो गया जी। आगे चलते जनाब, कौन से आगे, 27। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कंप्यूटेशन ऑफ एसेट टेस्ट रेशियो। चलो जी, ये तो बड़ा सादा है। डी इन्वेंट्री स्टॉक 28 पे आ जाए, ठीक हो गया। 8 times कैसे निकले जनाब, 320 मिलियन की सेल है, इसका 75% ले लेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी 240 कॉस्ट ऑफ सेल आ गई, और 31 जमा 29 ये हो गया 60/2 एवरेज इन्वेंट्री आ गई 30, रेशो निकल आई जनाब, कॉस्ट ऑफ सेल डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। डेट इक्विटी रेशियो इज अ सब पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। ले जी, आपके पास हो गए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन खत्म। अब आ जाए क्वेश्चन बैंक।